यहाँ बैठा हूँ, स्पीकर ऑन कर रखे हैं। गांव पंचायत के अंदर बड़ा भारी रोष है इस बात का कि रिवासा के अंदर जो है ना देखी हुई है, जितने पानी की और धूड़ की डरों के कई आदमी टीबी के शिकार हो चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, जो पैसे हमने दिए थे उसने आपने इसके लिए कुछ दिया है या नहीं दिया? आप जिम्मेवार अधिकारी हो, जिम्मेवारी से बात करना, नहीं हुआ तो वो भी बता देना। जो खैरा यहाँ परेशानी है रिवासा की, उस बात से मैं आपको कहूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ परेशानी है या नहीं है। और आपकी बात है बड़ी जायज है, जो आपका जो मतलब एक तरह से ये कहना, अब ये आपके में हकीकत में हमारे साथ परेशानी है, लेकिन इस परेशानी में कई चीजें जुड़ी हुई है, एक चीज नहीं जुड़ी हुई। और उस बात के लिए मैं आज भी कहता हूँ कि भाई बिल्कुल ठीक करा आपने, समय पे ये काम एक्शन ले लिया। अगर समय पे ये एक्शन नहीं लेते तो ये इसी तरह से लाइन बढ़ा करके चलते रहते और हमारे बच्चों का भविष्य जो आज हमें नजर आ रहा है उस भविष्य को धूमिल कर दिया जाता है। अब मैं समझता हूँ कि अगर आप दोबारा कहो तो मैं वीसी से बात करूं। आप कहते हो चुकी है बात, तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाँ कर लिया, आपके सामने बात हो चुकी है। एक दो दिन इंतजार कर लो, वो आज शाम को 3 बजे करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर यही है, बड़ी कोई दिक्कत थोड़ी होती। अगर उनकी इस तरह की क्वालिफिकेशन होगी तो प्राथमिकता के तौर पे गांव बस्ती को हम मोबिलाइज करेंगे, उन लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अफसोस तब हुआ जब 5 बच्चे इसके अंदर वहाँ से लगा दिए गए और उनका पता लगा गाँव का, उसमें से एक भी आदमी। इस बात का आक्रोश पूरे गांव में हुआ, महिला और पुरुष सब ने एकजुट होकर के यहां पहुंच करके ने एक मतलब आंदोलन शुरू किया, जिस पे वाइस चांसलर ने अश्योर किया है कि हम आपको 100% गांव के ही बच्चों को लगाएंगे, अगर किसी ने गलती से लगा भी दिया और कोई तो उनको छोड़ करके गांव के बच्चों को लेंगे। ये इनके सामने कह चुके हैं और ये बात सत्यापित भी हो चुकी है कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया। अब हमें विश्वास है कि आइंदा से इस तरह की गलती वाइस चांसलर या किसी भी अधिकारी स्तर के ऊपर नहीं होगी और इनको गांव का जो उचित अधिकार है वो अधिकार इनको मिलेगा।